हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लाजवाब होंगे। चलिए, एक बनारस की साड़ी है आज हमारे पास। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये रिपेयर मैंने कर लिया एक्चुअली, लेकिन वीडियो दिखाने का मकसद एक है। पहले आप इसे देख लीजिए, ये जो बारीक बारीक सी आपको लाइन सी दिख रही है सीधी, जी हाँ, ये रिपेयर की है। दरअसल ये रफू के लिए आई थी, इसे हमने रफू किया है। ये देखिए, ऊपर से देख लीजिए थोड़ा सा, ये पूरा पल्ला जो था, ये पूरा पल्ला ही रफू किया गया है, यानी जो बारीक बारीक सिलाई है ये की गई है, देख लिया आपने। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इस साड़ी के साथ हुआ क्या था। जिन कस्टमर की साड़ी थी, उन्होंने पीको वाले को कहा कि इसमें से ब्लाउज़ पीस निकाल कर इसे पीको कर दीजिए। पीको वाले ने ब्लाउज़ पीस की जगह पल्ला ही काट दिया और इसे पीको कर दिया। और जब उनको पता चला कस्टमर को, तो बड़ा फील हुआ उनको, बैड फील हुआ, तो उन्होंने कहा उनको, पीको वाले को, तो पीको वाले ने माफ़ी मांगी। चलिए, ये बड़े दिल वाले थे, इन्होंने माफ़ भी कर दिया, लेकिन हर कोई माफ़ नहीं कर पाता है, क्योंकि साड़ी की जो कीमत है वो 15,000 से ऊपर की है। अब मसला ये था कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि पीको होने के बाद क्या होता है कि जो लाइन होती है गोल गोल मोटी मोटी, वो दिखती है। अब कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा इसका कुछ रास्ता है तो बताएं। तो जब हमसे मिले तो हमने इसका 2500 रुपये चार्ज किया। जी हाँ, इस साड़ी को रिपेयर करने के 2500 रुपये लिए हैं और इसे बनाया है। कैसे बनाया है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बता चुका हूँ, रफू करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ताना बाना कर, अगर बटन जितना हो ले तो, और कोई बड़ा है या उससे बड़ा रफू है तो आगे से कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके हम उसको रिपेयर करते हैं। इसको भी ऐसे ही रिपेयर किया गया है। वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने कटे हुए कपड़ों को घर पर बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, हैंडवर्क क्रिएटिविटी चैनल पर यही दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे पसंदीदा कपड़े होते हैं, बड़े कीमती कपड़े होते हैं। अब अच्छा नहीं लगता जब वो कट जाते हैं, तो अगर आपको रिपेयर करना आता है तो आप उसे रिपेयर करके दोबारा से उसको पहन सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कुछ किया नहीं, लेकिन अगली वीडियो में ज़रूर कुछ करेंगे। तो अगली वीडियो में सीखेंगे कुछ नया, बनाएंगे कुछ नया, कुछ करेंगे रिपेयर। तो चलिए, तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। गुड बाय।